रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इटावा बरेली हाईवे पर रंजिशन दूधिया पर बाइक सवार दबंगों ने किया हमला। दो बाइकों से पीछे से आए चार दबंग युवकों ने दूध लेकर बाइक से जा रहे दूधिया को जमकर लाठी डंडों से पीटा। दबंगों द्वारा पीछे से अचानक हमला किए जाने के बाद दूधिया बाइक समेत सड़क पर गिर गया। बाइक गिरने से दूधिया का लगभग 35 लीटर दूध इटावा बरेली हाईवे पर फैल गया। हमले में दूधिया हुआ गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीएससी राजेपुर में कराया भर्ती। गांव महमदपुर गड़िया निवासी दूधिया वीरपाल की पत्नी के सतल कल दबंगों ने की थी मारपीट। उस मामले पर पीड़िता की तहरीर पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करने से दबंगों ने खिसियाकर दूधिया पर किया हमला। थाना राजेपुर क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर जमापुर मोड़ के पास का। क्या नाम है आपका? मीरपाल। एक क्या जमापुर क्या मामला हुआ मारपीट का? जी मारपीट उधर से आज दो तीन चार लड़के थे तो इन्हें एकदम मोटरसाइकिल दूध भरी भराई पर डंडा चलाने लगे सब। तो आप किसका काम करते हैं? दूध का। अच्छा, तो आप दूध ले जा रहे हैं? हाँ। आपकी कोई रंजिश थी पुरानी? कल मेरे घर में घरवाले कल मारा पीटो। तो आपने पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया था? सब दिया, शाम को दिया, रात में आके। तब उसके बावजूद भी इन लोगों ने मारा? हाँ, सवेरे भाई। कौन कौन होता, नाम के बता सकते हैं आप? माराम अमरीश और उमेश नार सिंह। मारपीट करके मौके भाग गए लोग? हाँ। दूध नुकसान, दूध में नुकसान हुआ? दूध का वो तो उसमें फैला पड़ा था, रोड पे था।